आपको पता है कि शादी नजदीक है, तो अभी हम आ चुके हैं फर्स्टली अपने इस इंडियन नियम के नाम का। तो मैं पता नहीं है आज भाई भाई केमिस्ट्री का ब्लश आ गया, देख रहे हो आप। तो क्या है ना कि फौजी साहब नए परसों ही अंदर कौन है जी, क्या क्या लगी है सब्जी? बैंगन। तो मैं हालत कुछ ऐसी हो रखी है, मतलब ये हमारा डेली का रास्ता है और हमें ऐसे ही आना जाना करना पड़ता है। फिसलन बहुत तेज है, मतलब अगर थोड़ा सा नजर हट गई या फिर कुछ हो गया, किसी के पास बच्चा है तो भाई फिर तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो गिरेगा। बाकी ये पानी पूरे रास्ते भर ऐसे ही जाता है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। हिमांशी दिस साइड केदारखंडी व्लॉग्स में आपका स्वागत है। गाइस मैं ठीक हूँ और मैं आज उम्मीद करती हूँ आप सब भी स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे एकदम मस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम जा रहे हैं कॉलेज में। जैसा कि आपको पता है आजकल मेरे प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो ज़्यादातर मैं कॉलेज ही जा रही हूँ। लेकिन क्योंकि सावन का महीना अब जा चुका है और अब दूसरा महीना स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब अभी अगर कुछ घर के काम है या कुछ भी शादी वगैरह के काम है तो वो हम रिकंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब बीच में जब सावन का महीना आ गया था तो उस टाइम पे शादी की बिल्कुल भी तैयारियां नहीं होती है या फिर शादी का कोई भी काम नहीं करते हैं। तो अभी हमारे पास टाइम भी कम है और काम बहुत ज़्यादा है और अब थोड़े थोड़े करके मुझे सारे काम निपटाने होंगे। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या काम निपटते हैं और बने रहिए व्लॉग में। देखिए हमारे चाचा सब्जी ढूंढ रहे हैं। चाचा क्या ढूंढ रहे हो? सब्जी। क्या क्या लगी है सब्जी? बैंगन। हो गया तुम्हारे बैंगन? अभी से अभी खेत से मैं अभी लाल मिर्च निकाल रहा हूँ। ताजी ताजी लाल मिर्ची है, बैंगन में है यहाँ। और चाची जी भी अपने छुटपुट काम करने पर लगी हुई है। ये देखो कुछ हमने निकाल के टोकरी में रख दिया है। घर के आसपास काफी ग्रीनरी है चाचा जी। बाकी भिंडी तो तुमने यही पका दी? कोई नहीं, हमारे साथ 20 किलो हो जाएगी। 20 किलो रखी हुई? ओ माई गॉड गाइज, ये देखिए तो चाचा जी को इतनी सारी मिर्ची मिल चुकी है। वो गोल गोल गए टमाटर? टमाटर जी, कच्चा टमाटर, कच्चा टमाटर, पका टमाटर सब मिल गया है। ठीक है, ढूंढो ढूंढो मिले भी ढूंढो सब्जी। ठीक है हाँ। तो दोस्तों सुबह सुबह स्कूटी में बहुत ज्यादा पानी होता है, इस वजह से मेरा बिल्कुल भी ट्रैवल करने का मन नहीं करता है। सुबह सुबह आके साफ करो भाई, ठीक पूरा पूरा, मतलब जो भी मेकअप कर रहा है वो पानी से बह जाता है। इस पानी से जा रही है गौशाला। अब निकल चोनी की बाल्टी लेगी खास के लिए। बाय बाय। तो मौसम कुछ ऐसा है, बादल इस तरह से लगे हुए हैं। राखी यहाँ पे देने आई थी, तो भैया ये हमारे भैया लोग लेने आएंगे है ना? नहीं नहीं, वो यहाँ पर बस उतरा रहते हैं, आ जाएंगे वो। ठीक है, चलिए। तो टाइम से पहुंच गई थी मैं कॉलेज में और मौसम, मतलब कॉलेज बहुत प्यारा दिख रहा है इस मौसम में। और बच्चे सुबह जल्दी आ गए थे, तो बाहर पे वेट कर रहे थे अपनी क्लासेस का। कुछ लोग स्टडी कर रहे थे तो कुछ लोग वेट कर रहे थे कि कब क्लास स्टार्ट होगी और कब वो क्लासरूम में जाएंगे। ऊपर नीचे करते करते पूरा खराब हो जाता है। वैसे तो अब ठीक हो चुका है।
दवाई लगाएंगे फिर जल्दी रिकवर होगा और मुझे बहुत जल्दी ये ठीक चाहिए यार। शादी तो इनके पति देव हैं, आदमी है, और सबसे पहले तो मैं उनको स्टे सेफ बोलना चाहूंगी क्योंकि ऑलवेज वो खुश रहे, हैप्पी रहे और जहाँ भी है स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जी 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 तो यार हम दोनों की जल्दी शादी हो जाएगी और फाजी साहब बहुत प्यार करते हैं भाई, मानना पड़ेगा। ब्लश आ गया देख रहे हो आप। तो क्या है ना कि फौजी साहब ने परसों ही कुछ भेजा था इनके लिए और हम देख के बहुत खुश हो गए। मतलब कुछ बोलना चाहोगे अपने पति देव के लिए? क्या बोलूँ, कोई ओपन संदेश देना चाहोगे? ठीक है बाय। बहुत अच्छा लगा यार आपसे मिलके। तो हम बहुत कम मिलते हैं। हम तकरीबन एग्जाम में तो हम मिले नहीं, हम पिछले साल मिले थे और तब से आज मिल रहे हैं। तो अब तो क्योंकि शादी के बाद आएंगे दोनों, है ना, बच्चे लेके। बड़ी जल्दी बड़ी जल्दी तो उस टाइम पर हम वेट कर रहे हैं। तुम्हें पता नहीं है आज बाय बाय केमिस्ट्री का? हमारे भाई बहन हो गए, कब आओगे तुम? लोगों की पढ़ाइयां चल रही हैं, कत्ले आम की तैयारियां चल रही है गाइस। अरे करण और वीरू, जय और वीरू मिल चुके हैं सीपीआर के लिए। हमारे सर जी सीपीआर दे रहे सीपीआर देना था सच्ची सच्ची मान नहीं बनाना था नहीं मौसी देना सीपीआर के हाथ से देने यी इतने कितने कितने की पढ़ाओ वो पागल जो लड़का वो हमेशा मुझे मारने की शादी से क्यों करता है हमेशा मुझे मारने की तैयारियां क्यों कर रहा था? कह रही कि वो चप्पल जला। तुझे मेरे पति की खुशी देख ही नहीं जाती क्या? नहीं, मुझे बस अपनी खुशी देखी जा रही। दोस्तों प्रैक्टिकल खत्म होने के बाद अभी हम आ चुके थे मार्केट की ओर क्योंकि हमें बहुत सारा काम करना था। और साथ में भी मिल गई थी प्रिया। प्रिया ने बोला बहन मुझे खाने गोलगप्पे और हम सब चलेंगे गोलगप्पे खाने। बाकी अभी बज रहे हैं 3 और मार्केट थोड़ा खाली सा लग रहा है। दीदी कैसा लग रहा है आपको दीदी धूप में गोलगप्पा खाने? बढ़िया, बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये गोलगप्पे खिला रही थी। और प्रिया की जिद की वजह से आना पड़ा हमें और यहाँ तक सौरभ को भी लेके आए। अब वापस सर, अब धूप कितनी लग रही है मेरे को? गोलगप्पा खाने का मजा या धूप में खड़े रहने की सजा? इन मैडम जी के कहने पे आना पड़ा हमें यहाँ। भी खड़े हो गए तीनों लोग यार, तुम्हें धूप नहीं हो रही? बहुत ज्यादा हो रही। पर मैडम जी को खाने गोलगप्पे, बता दो नहीं गोलगप्पे वाली शक्ल स्वरम नहीं हूँ आ रहे शादी के बाद तो आपने फाइनल क्या बताया था? आपको बताया है कि शादी नजदीक
गाइस जैसे कि आपको पता है कि शादी नजदीक है, तो अभी हम आ चुके हैं फर्स्टली अपने इनविटेशन कार्ड को मतलब बनवाने के लिए। मेरे को कोई आइडिया नहीं उनके नाम का, ये बनाते हैं तो कुछ डिटेल्स अंकल ले रहे हैं हमसे उसी फोन में डिटेल्स वो तो ले रहे हैं। यहाँ पे जाम लग गया है, लगता है हमें बहुत टाइम लग जाएगा यार। वैसे भैया एक्सेल तो कर रहे हैं कि आ जाओ। ओ भाई थोड़ा वेट तो करना चाहिए। तो फ्रेंड्स फाइनली हमें कुछ कलर या पेंट की बाल्टियां ले जानी थी, तो वो लेने आई थी मैं अंकल जी की शॉप पे, और अभी हमने टोटली जितना सामान लेना वो हम ले चुके हैं। हाय अंकल जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया। डिस्काउंट पे लगाना ठीक है, फिर मेरे दोस्त लोग भी आएंगे यहाँ। और काफी अच्छा रेट मुझे यहाँ पे अभी तक तो मिल रहा है और आगे भी मिलेगा आई विश। सो गाइस फाइनली धीरे धीरे करके जो प्रैक्टिकल खत्म हो रहा है उसकी जो खुशी है ना भाई मत पूछो। मैं तो बहुत ज्यादा टेंशन में थी यार, क्योंकि मेरे को बहुत सारा काम करना है। अभी देख सकते हो आधा सामान मतलब है मेरी गाड़ी में मतलब जो मैं लेके आई हूँ पेंट वगैरह काफी छूट गया अभी, तो बस ऐसा है कि कुछ लेके चलते हैं कुछ, फिर आधा जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे लेके जाएंगे। तो यहाँ से ऊपर जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है क्योंकि ना सारा रास्ता खाली है, अकेले अकेले हूँ यार। भिरी तक तो प्रिया आ जाती है, पर उसके बाद उसे जाना है उखीमठ के लिए दूसरी जगह, अब मुझे आना है दूसरी रोड पे। पूरे रास्ते पर मुझे अकेले नहीं हूँ एंड चलते हैं घर अकेले अकेले। सो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो लगी होगी अच्छी, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और बेल नोटिफिकेशन कर दो ऑन ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप लोग रखो अपना ध्यान।